Olha, mas que coisa. Olha, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मिक्स ब्लॉग है जी, क्योंकि आज हमारा 150 बंदे का डिनर है। तो उस्ताद साहब माशाल्लाह लगे हुए हैं, काम में मसरूफ़ हैं। उस्ताद साहब से चल के बात करते हैं। चलो जी, हम उस्ताद से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। अस्सलाम उस्ताद जी, क्या मेन्यू चल रहा है माशाल्लाह? माशाल्लाह जी, आज है तकरीबन 150 बंदे का जी। तो अभी आप दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, चलो ये चेक करते हैं। 12 किलो गोश्त है बिरयानी के लिए जी। पालक पनीर है हमारा, तकरीबन 15 किलो पालक थी, 10-1 किलो रह गई है। 15 किलो कीमा चाँप है जी। देसी मुर्गा तकरीबन 20 अदद हैं जी। ये सूप बनाना है हॉट एंड सावर, 150 प्याला। ये हमारा 5 किलो चिकन है और 7 किलो हड्डी है। ये हमारे कबाब हैं चिकन के, बादाम डाले हुए हैं इसके अंदर। ये तकरीबन है 15-1 किलो। ये मलाई बोटी है, हमने इसको भी रखा हुआ है, तकरीबन ये 18-1 किलो है जी। ये राने मसाला लगा के रखी हुई हैं, ये रोस्ट होंगी जी। बाकी माशाल्लाह ये देख लें, सारी सब्जियां हमने रखी हैं। अभी शुरू करेंगे इसकी कटिंग वगैरह, अभी सारा काम अभी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। समझ लें कि हमें 6 घंटे अभी फुर्सत नहीं है, 6 घंटे के बाद। और मैं आपको अपना हेल्पर भी मिलवाता हूँ, आपको अपना स्टाफ भी मिलवाता हूँ। ये मेरे हेल्पर हैं, देखें जी, अल्लाह करे आज मुझे तंग ना करें। मेरी तो कोशिश यही है कि मुझे खपाए ना, लेकिन ये जो छोटा लड़का है ये सबसे ज़्यादा खपाता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इसको थोड़ी सी शर्म और हया दे। पालक चढ़ा दिए हमने, इसके अंदर भी हमने मसाले वगैरह सारे डाल दिए हैं। साथ ही हमने कोरमे को भी चढ़ा दिया है, उसके अंदर भी मसाले डाल दिए हैं। बाकी इसकी ग्रेवी की तैयारी अलहदा करेंगे। यखनी भी हमने चढ़ा दी है। कोरमा तैयार हो चुका है, देसी चिकन का चिकन कोरमा तैयार है। पनीर हमारा फ्राई हो रहा है पालक के लिए, पालक भी तैयार है, बस पालक भी तैयार है। कीमा चाप हाफ डन हो चुका है, अभी इसको तवे पे डालेंगे।
लो जी इटालियन सैलड तैयार है, अभी हम इसकी सॉस बनाएंगे। शहद, जूस, नमक, काली मिर्च, सोया, सॉस तैयार हो गई। लो जी सीजर सैलड की कटिंग, ले आओ भाई सॉस वास्ते सामान, मिल्क पैक क्रीम दो, ऑलिव ऑयल, शहद, चिली सॉस, मेयोनीज क्रीम, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। डार्क सोया सॉस कलर चेंज करने के लिए, एक कप पानी। अभी हम इनको रोस्ट करने लगे हैं तो आपको दिखाते हैं। चल भाई चौक इसको उठाओ, इसको खिला दो। अभी हम इसके अंदर 1 लीटर ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिए, अभी हम दही मिक्स करेंगे। 4 किलो दही ले लिए हमने, थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया, तकरीबन 150 ग्राम इस मसाले के अंदर डाल देंगे, दही के अंदर। ये हल्दी डाल देंगे, साथ 1 प्याली लेमन जूस डाल देंगे जो इस रोस्ट को जूसी रखेगा। आधा पैकेट चिली गार्लिक केचप डालेंगे। अभी ये दही फैला के डाल देंगे और इसी के अंदर दम आएगा।
अभी हमने थोड़ा सा पानी डाला है इसको, अभी हम दम पे लगा देंगे, 3 से 4 घंटे जाएगा ये। लो जी स्टार्टर तैयार। बारह किलो चावल लेकर
देव देव सूप देव चलता रहा माशाल्लाह जी। लेकिन खाना हमारा काफ़ी ज़्यादा था, बंदे काफ़ी थे, शोर बहुत था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दुआ करना, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माजरत चाहते हैं। ले आ रहे हैं।
Thank you.